हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरी चैनल टूल्स एंड टेक्निक में। होंडा स्प्लेंडर, पैशन, एचएफ डीलक्स, सिटी डॉन, ऐसी गाड़ियों में जो यहाँ पे ये बेयरिंग लगती है इंजन कवर में, इसे निकालना काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि इसका कोई पुलर नहीं है। तो इस तरह से हम इसके पीछे यहाँ पे सपोर्ट रख के एक कपड़ा रखेंगे और बाद में ये चैम्बर को यहाँ पे पीछे से इस तरह सपोर्ट देंगे। यहाँ पे वो बेयरिंग आती है, तो मैं आपको दिखाता हूँ बेयरिंग कैसे निकालते हैं। इसके लिए आपको बस मोमबत्ती का मोम चाहिए और एक लोहे की रॉड, और दोनों के बीच में बेयरिंग के अंदर ये मोम आप ऐसे डालते रहें और उसके ऊपर इस तरह से पंच या कुछ भी लोहे का सरिया लेके इस तरह से इसे ठोकते रहें। हमें तब तक इसके अंदर मोम डालना है जब तक हमारी बेयरिंग पूरी तरह से बाहर ना आ जाए। ये काफ़ी इजी टेक्निक है, लेकिन इसमें ध्यान देने की ये चीज़ है कि ज़्यादा ज़ोर से ना ठोके, नहीं तो हमारा चैम्बर है वो क्रैक हो जाएगा। और थोड़े थोड़े टाइम पे चेक करते रहें कि पीछे जो हमने सपोर्ट लगाया है वो ठीक से लगा है कि नहीं, और जो आप बेयरिंग की जो बीच की साइज़ है उसकी जितना ही साइज़ का आपको अंदर एकदम आसानी से चला जाए इस तरह का लोहे का सरिया लेना है, जिससे हमारा जो मोम है वो जितना हो सके उतना ज़्यादा अंदर की तरफ प्रेस हो। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैं मोम को अंदर धकेलता रहा हूँ और आपको दिख रहा होगा शायद बेयरिंग थोड़ा बाहर आया है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें आपको वीडियो कैसा लगा। इस तरह से आपको बेयरिंग को बस बीच में मोम डालते रहना है, तो बेयरिंग अपने आप बाहर आ जाएगा। अगर आप गाड़ी का पूरा इंजन बना रहे हैं तो ये बेयरिंग को ज़रूर चेंज करें, क्योंकि काफ़ी लोग इसको चेंज नहीं करते क्योंकि निकालने की दिक्कत है। तो आप सोच लीजिए हर बार इसी बेयरिंग को आप छोड़ देंगे तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि ये बेयरिंग चलते चलते टूट जाए, तो इसके कारण आपको इंजन फिर से खोलना पड़ सकता है, जिसके कारण जो हमारी इमेज है वो ख़राब हो सकती है। तो इस बेयरिंग को ज़रूर से चेंज करें। इसका प्राइस काफ़ी कम है, लेकिन निकालने की दिक्कत के चलते इसे कोई निकालता नहीं है और छोड़ देता है, लेकिन इसको छोड़ना ये गलत है क्योंकि एक बेयरिंग के कारण पूरा इंजन का जो रिज़ल्ट है वो ख़राब हो सकता है। तो इसको ज़रूर से चेंज कर दे ताकि आपको गाड़ी एकदम स्मूथ लगे और इसकी इंजन की जो आवाज़ है वो भी एकदम स्मूथ रहे। आप देख सकते हैं बेयरिंग हमारी 60-70% बाहर आ गई है। इस तरह से हम इसके बीच में मोम डालते रहेंगे। जो मोम है वो ऊपर से दबाने के कारण अंदर बेयरिंग को प्रेस कर रहा है, क्योंकि उसको निकलने की कहीं पे जगह नहीं मिल रही। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं हाइड्रोलिक की तरह ये काम कर रहा है। और ये बेयरिंग आप देख सकते हैं, ये पूरा बेयरिंग हमारा बाहर आ गया है। ये आप देखो बेयरिंग के पीछे जो पूरा बना हुआ है वो मोम है, तो मोम ने किस तरह से पूरा बेयरिंग को कवर कर लिया है आप देख सकते हैं इस तरह से। ये आप देख सकते हैं ये मोम है, और ये मोम हम दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं, जितनी बार चाहे इसको यूज़ कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा। क्योंकि इसका काम ही ये है, बेयरिंग को बस उठाना है और आपको इसे फिर से यूज़ करने के लिए आप इस तरह से इसको रख सकते हैं, इसे फेंकना नहीं है, दोबारा से इसे यूज़ करेंगे। ये आप देख सकते हैं ये मोम है, एक छोटी सी चीज़ है लेकिन कितने काम की चीज़ है आप देख लीजिए। ये हमारा बेयरिंग पूरा बाहर आ गया है और ये पंच है तो इसके अंदर इस तरह से फंस जाता है, और ये हमारी जो बेयरिंग आप देख सकते हैं निकल गई है। यहाँ पे पूरा मोम है वो फंस गया था, इसके कारण पूरा बेयरिंग बाहर की तरफ निकल गया। तो वीडियो कैसा लगा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।